हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इसके पहले TCS, NQT और निंजा में पूछे जा चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जावा प्रोग्रामिंग के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो पहला है, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट जावा। सो यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट जावा, या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मीन्स यहाँ से मेन फंक्शन चालू है। इसके अंदर देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके, एक क्लास बनाया गया है। सो उसके बाद सबसे पहले आप देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमको क्या करना क्या, वो देखते हैं। यहाँ पे एरे लिस्ट, एक एरे लिस्ट क्रिएट किए हैं, एरे लिस्ट क्रिएट किया है, ओके, एम्प्टी, यहाँ पे इसका मतलब यही है। और उसके बाद क्या किया, टेम्प डॉट एरे, मतलब टेम्प एरे लिस्ट, नेम क्या है, देखिए यहाँ पे नेम क्या है, टेम्प एरे लिस्ट, जो नेम है टेम्प एरे लिस्ट, जो यहाँ पे नेम डिक्लेयर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं, टेम्प एरे लिस्ट, ओके, इतना बड़ा नाम है तो TMP नाम ले लेते हैं शॉर्ट करके। उसके बाद देखिए 30 ऐड कर दिया, 30 हमने ऐड कर दिया। अगली बार जब ये कोड चला 30 ऐड, अब उसके बाद देखिए ऐड फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है उस एरे लिस्ट में। उसके बाद देखिए ऐड 20, तो ऐड 20 हम लोगों ने ऐड कर दिया, जैसा कह रहा है वैसे ही करेंगे। अब उसके बाद 10 ऐड करने के लिए कहा, तो यहाँ पर 10 और ऐड कर दें। उसके बाद अगले लाइन में 40 ऐड करने के लिए कहा, तो 40 भी ऐड कर दिए। और लास्ट में जो है यहाँ पे देखिए 50 ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 50 हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल एरे लिस्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 30, देन 20, देन 10, उसके बाद 40 एंड आफ्टर 50, ओके। तो ये हमारा जो है एरे में वैल्यू इंसर्ट हो गई। उसके बाद वाले में देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ओके, सॉर्ट का प्रीबिल्ट फंक्शन यूज किया है। टेम्प एरे लिस्ट, टेम्प एरे लिस्ट मीन्स टेम्प एरे लिस्ट क्या है, ये हमारा TMP है, ओके, TMP हमारा टेम्प एरे लिस्ट है, जो हम लोगों ने TMP एज्यूम किया है टेम्प एरे लिस्ट को। और कह रहा है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, मीन्स सॉर्ट करिए और रिवर्स ऑर्डर। देखिए जब ये सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास किस तरह सॉर्ट होके आएगा, 10, 20, 30 और उसके बाद आएगा 40 एंड देन 50। और कह रहा है इसको रिवर्स ऑर्डर में, अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 50, 40, 30, 20 एंड देन 10, ओके, ये हमारे पास सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलेक्शन डॉट टेम्प एरे लिस्ट, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर सॉर्ट करिए, फिर अगेन अगर इसको अगेन हम लोग सॉर्ट करें तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50। अब देन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इसमें भी रिवर्स ऑर्डर है और यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर है। उसके बाद इसको रिवर्स करेंगे तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, 40, 30, 20, 10। सो जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा यहाँ पे अगर प्रिंट कराएं, क्या प्रिंट कराएं, TMP प्रिंट कराएं, तो हमारा 50, 40, 30, 20, 10 आउटपुट आ जाएगा। सो चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, कंस्ट्रक्ट अ पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड ट्री विद द गिवन इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारे पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया है, हमको क्या करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का, मतलब इससे क्या है कंस्ट्रक्ट करना है ट्री और उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है वो फाइंड करना है। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है प्री ऑर्डर में, पहले होता है रूट, देन लेफ्ट और देन तब क्या होता है राइट। अब वही बात करें इन ऑर्डर की, तो पहले लेफ्ट होता है, देन रूट, देन राइट होता है। कभी भी हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम आए तो अगर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया है तो हम लोग प्री ऑर्डर से स्टार्ट करना चाहिए हमें, जिससे क्या होगा कि हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहले रूट मिल जाएगा। और रूट मिल जाएगा जैसे देखिए यहाँ पे प्री ऑर्डर है तो 6 मिलेगा, तो 6 हमारा रूट होगा, तो 6 को अगर यहाँ पे लिख लें तो अब इन ऑर्डर में देखेंगे, इन ऑर्डर में 6 कहाँ है, यहाँ पे है। अब इन ऑर्डर में 6 ढूंढने का मतलब क्या है,
अब देखिए हमारा रूट के लेफ्ट में जो है ना वो हमारा लेफ्ट में आएगा, मतलब रूट के लेफ्ट में जो है इधर आएगा, राइट में इधर आएगा, ट्री के राइट में आएगा। तो रूट के लेफ्ट में जो कौन कौन सा है, 9, 7, 10, और राइट में जो है वो 8 है, ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट है तो ये फिक्स हो चुका है। अब सेकेंड में देखिए, अब यहाँ पे 8 भी फिक्स हो गया, तो हमारे पास एलिमेंट कौन से, 7, 9, 10। सो अगर 7, 9, 10 बचे हैं, अब देखिए अब 7, 9, 10 बचे हैं, तो अब इसमें इन तीनों में अगर इनमें तीन एलिमेंट में हम लोग ट्री ड्रॉ करेंगे तो हम लोग का रूट कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए प्री ऑर्डर है, देन पहला एलिमेंट 2 होगा, तो मतलब सॉरी नो रूट होगा, तो 7 जो है रूट होगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और उसके बाद 7 को रूट फिक्स हो गया, 7 का रूट फिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7 का रूट फिक्स हो गया, तो अब 9 और 10 बचेगा, तो 9, 10 किधर आएगा। तो अगर इन ऑर्डर में देखें तो हमारा 7 कहाँ है, 7 यहाँ पे है, 7 के जो लेफ्ट में है जो लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला है, और राइट में जो है वो राइट हो जाएगा। तो 7 के लेफ्ट में क्या है, 9 है, और राइट में क्या है, यहाँ पे 10 है, और 8 हमारा पहले से फिक्स था, 8 हमारा पहले से फिक्स था। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। अगर पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना है तो पोस्ट ऑर्डर का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, पहले लेफ्ट होता है, देन राइट होता है, देन क्या होता है हमारा, रूट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हमारा यहाँ देखा जाए तो 6 का लेफ्ट 7 आ गया। अब 7 पे चेक करेंगे, 7 का लेफ्ट लेफ्ट है तो 9 है, तो 9 पे आ जाएंगे, तो 9 यहाँ पे आ गया। अब 9 का लेफ्ट चेक करेंगे, नहीं है, अब फिर राइट चेक करेंगे, नहीं है, फिर रूट चेक करेंगे, तो रूट देखिए रूट खुद है, तो 9 हमारा आउटपुट पे शो हो जाएगा, ठीक है। 9 जो है पहले ट्रावर्स हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट पे मूव करेंगे, 9 का राइट क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 9 के बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या विजिट करेगा, रूट करेगा, इन मतलब लेफ्ट राइट देन रूट। अब रूट क्या है, 7 है, तो 7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आया, तो अब देखिए लेफ्ट तो हो गया यहाँ पे, इसका इसका लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो गया। अब राइट पे मूव करें, राइट में हमारा 8 है, अब राइट हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट हो गया और यहाँ पे राइट हो गया। अब देन क्या करेगा, रूट पे विजिट करेगा, रूट क्या है हमारा, 6 है, 6 अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए 9 के बाद 10, पहला ऑप्शन गलत है, और सेकेंड देखिए 8 से तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये भी नहीं चलेगा, और देखिए 9, 7, 6, 9, 7, 6 तो ही नहीं सकता, और यहाँ पे 9, 10, 7, 9, 10, 7 देखिए ये मैच कर रहा है, और यहाँ देखिए डबल टाइम, सो यहाँ पे 8 कर लीजिए, 8 है, ये राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। सो उसके बाद 6 लास्ट में 6 है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्री ऑर्डर पूछा है, तो अभी हम लोगों ने देखा प्री ऑर्डर क्या होता है, पहले क्या होता है प्री ऑर्डर में, पहला होता है पहले हमारा लेफ्ट में भी सॉरी यहाँ पे रूट में विजिट करता है, रूट में विजिट करेगा, देन क्या करेगा लेफ्ट जाएगा, देन क्या जाएगा राइट मेरा राइट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रूट पे विजिट करेगा, रूट मेरा क्या है, ए है, देन आउटपुट में ए आ जाएगा। सो यहाँ देखिए ऐसे ही दिख गया कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और देखिए क्या, क्योंकि और सब में ए से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग आउटपुट पूरा लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में जाएगा, तो ए के लेफ्ट में है, बी पे है, अब बी का सबसे पहले रूट विजिट करेगा, तो ए बी हो जाएगा। अब बी के फिर उसके बाद लेफ्ट में जाएगा, डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद डी के, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हो गया तो देन राइट, यहाँ पे रूट भी हो गया, लेफ्ट देन राइट, अब यहाँ पे राइट में ई है, देन ई हो गया। उसके बाद फिर लेफ्ट में विजिट करेगा, एच हो गया। अब देखिए अब इतना हो गया मेरा, ये हमारा लेफ्ट था, अब राइट में मूव करेंगे, राइट में सी है मेरे पास, देन सी विजिट करेगा, और सी के देखिए सी के लेफ्ट में, अब रूट तो हो गया, देन सी के लेफ्ट में एफ है, देन एफ विजिट करेगा, एफ के बाद फिर आई, देन देखिए इसका लेफ्ट तो है ही नहीं, लेफ्ट हमारा नल है, देन हमारा क्या करेगा, आई भी विजिट करेगा। आई के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई के बाद हमारा
राइट में विजिट करेगा जी पे, आई के बाद जी पे, देखिए सेम आउटपुट आया है। सो ये हमारा ए सी ऑप्शन सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स ये कह ये रहा कि डेटा स्ट्रक्चर में लाइक देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, देखिए ये सिंपल जैसे एडिशन फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग प्रीफिक्स में अगर करें, प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो भी ऑपरेटर होते हैं पहले आ जाते हैं, तो प्लस ए बी आ जाएगा। अब पोस्ट फिक्स में करें तो ए बी प्लस आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है, मतलब ए है और बी प्लस, या तो ऐसे होगा बी ए प्लस, ओके। बेसिकली दोनों दोनों आउटपुट सेम ही देगा, ठीक है, ए बी प्लस है। तो इस तरीके का ऑपरेशन किस डेटा स्ट्रक्चर में बेस्ट होगा, तो बेसिकली ग्राफ में तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ग्राफ हो नहीं सकता। और बात करें क्यू की, क्यू भी नहीं यूज होगा, क्यों नहीं यूज़ होगा, क्यों, देखिए जो भी अगर एलिमेंट इसकी बात करें तो कोई ऐसा लिंकिंग ही नहीं है कि इंसर्शन डिलीशन जो है ना दोनों साइड से, मतलब एक तरह से इंसर्शन एक तरह से डिलीशन हो, ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। लिंक लिस्ट का यूज कर नहीं सकते क्योंकि इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो यहाँ पे लिंक लिस्ट नहीं होगा। स्टैक का यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आप लोग एप्लीकेशन में पढ़े ही होंगे स्टैक की, जो स्टैक का यूज करते हैं प्रीफिक्स इनफिक्स में कन्वर्जन में, कैसे करते हैं कि मतलब जब भी कोई ऑपरेटर आता है ना, जब भी हमारा ऑपरेटर आता है तो पुश पॉप करते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेट जो भी मतलब इवेल्यूशन होता है, मतलब वैल्यू इवेल्यूएट होके आ जाती है, ओके। उसको अलग वीडियो में देखेंगे कैसे वो होता है। सो यहाँ देखिए स्टैक का यूज़ होता है, तो सिंपली इसको आउटपुट में लगा दिए। तो यहाँ देखिए अब अगला क्वेश्चन है, सो कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, फ्लोट नम वन, शॉर्ट नम टू, लॉन्ग नम थ्री, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नम वन माइनस नम थ्री बाई नम टू, ओके। तो बेसिकली हमको डेटा टाइप बताना। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें प्रायोरिटी की बात करें कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी, एग्जीक्यूशन किसका होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे परसेंट का होता है, देन डिवाइड का होता है, देन इनटू का होता है, देन प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है। तो यहाँ पे डिवाइड क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो सबसे पहले ये इवेल्यूट होके आएगा शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से। लाइक अज्यूम कर लेते हैं फाइव और थ्री, तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर और ये भी मतलब इंटीजर ही टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग जो है इंटीजर ही टाइप का है, तो इंटीजर बाय इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर आएगी, ठीक है, इंटीजर आई हमारी वैल्यू। तो अब देखिए फ्लोट माइनस इंटीजर, तो वैल्यू क्या आएगी लास्ट में, माइनस लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी फ्लोट आएगा, ओके। बेसिकली ये तो अब बहुत सिंपल था, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। सो देखिए यहाँ पे डबल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, डबल तो आए क्योंकि डबल का कोई नामो निशान नहीं है। तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है, फ्लोट पॉइंटर पी फाइव, हियर पी इज अ पॉइंटर, बेसिकली सही है, पी इज अ पॉइंटर, बट पूरा करेक्ट मतलब ऑप्शन नहीं है, ठीक है, करेक्ट मतलब डिफिनेशन नहीं है। एरे ऑफ पॉइंटर देखिए पॉइंटर पी है, पॉइंटर पी मतलब एरे ऑफ पॉइंटर ही होगा, क्योंकि देखिए ये क्या स्टोर करेगा, जो भी फाइव है, ये फाइव एलिमेंट है, यहाँ पे फाइव एलिमेंट जो भी आएगा वो क्या स्टोर करेगा, वो हमारा पॉइंटर स्टोर करेगा, तो एरे ऑफ पॉइंटर ही होगा ना, तो पॉइंटर होगा। तो यहाँ जो फ्लोट, फ्लोट तो हो ही नहीं सकता, फ्लोट तो होगा क्योंकि फ्लोट वेरिएबल वैल्यूज पूछ रहा है ना, तो वैल्यू क्या होंगी, पॉइंटर स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है कि क्या स्टोर करेगा, फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, पॉइंटर सॉरी ये पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, जिसकी वैल्यू जो है ना फ्लोट है वो स्टोर करेगा, ओके, बेसिकली ये करेगा। सो अगले प्रॉब्लम में मूव करते हैं। सो अगला प्रॉब्लम जावा में है। सो सबसे पहले मेन फंक्शन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मेन डॉट इनर डॉट टी डब्ल्यू, हमारा इनर स्टैटिक नम क्या है 100 है। उसके बाद क्या है कि एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है टी डब्ल्यू,
TW.msg मैसेज को कॉल किया गया, यहाँ पे मैसेज को कॉल किया गया, num.print.out.ln num num++। देखिए num++ क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले वैल्यू यूज हो जाती है देन अपडेट होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले वैल्यू यूज कर लेंगे, नम क्या है 100 है, तो नम 100 है तो 100 क्या होगा प्लस प्लस होगा, तो पहले 100 जो है प्रिंट हो जाएगा, तो 100 प्रिंट हो जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब उसके बाद वैल्यू जो होगी अगला, अगर कहीं भी हम लोग यूज़ करेंगे नम को, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 101 हो चुकी होगी। ओके सो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट बताना है हमको। सो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक एरे दिया है 5 1 20 25 दिया है। सो आई और जे और एम जो है वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, वही प्रिंट भी कराना है। सो आई की वैल्यू क्या है प्लस प्लस A1। यहाँ देखिए प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, बैक साइड से चलता है। तो सबसे पहले हमारा A1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। A1 क्या है, हमारा 1 है, 1 को प्लस प्लस कर देंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, हमारी यहाँ पे 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जे की वैल्यू A1 प्लस प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस प्लस की क्या होती है, बैक से ए बी मतलब फ्रंट से चलती है। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे A1 यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आउटपुट क्यों आएगा, अब वो देखिए A11 जब हो जाएगा, तो A11 जब होगा तो वैल्यू देखिए वैल्यू अपडेट नहीं होगी होगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है ना ये पहले जे में आ चुकी है पर अपडेट नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे A1 जो हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू यूज हो जाती है देन अपडेट होती है, तो यहाँ पे वैल्यू यूज हो गई पर अपडेट नहीं हुई है। और यहाँ पे एम को देखते हैं, अब आई प्लस वन जब करें, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 प्लस प्लस करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो वैल्यू पहले यूज हो जाएगी उसके बाद अपडेट होगी, तो A2 हम लोग क्या करेंगे प्रिंट हो जाए कर देंगे, तो 0 1 2 मतलब 15। तो अगर हम लोग प्रिंट कराएं तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा, यहाँ पे देखिए कॉमा वॉमा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और कहीं भी ऑप्शन नहीं होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 2 1 15, बट यहाँ पे कॉमा है तो 2 1 15, तो यहाँ पे 2 1 15 ए ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ए जो है 2 है, बी इज इक्वल टू 2 है। अब देखिए शिफ्ट किया जा रहा है क्या, लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ए क्या है, ये हमारा ए 2 को 2 मतलब 2 बिट जो है कि कहाँ पे सॉरी यहाँ पे राइट शिफ्ट किया जा रहा है 2 बिट। तो 2 का बाइनरी क्या होगा 1 0 होता है, तो अगर हम लोग 2 बिट मतलब इधर शिफ्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो पहला बिट शिफ्ट किया गया तो यहाँ पे वो 0 1 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा बिट शिफ्ट किया तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, इफ़ के अंदर मतलब वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगा। 2 डबल शिफ्ट अगर किया जाए, 2 राइट डबल 2 बार राइट 2 बिट जो है राइट शिफ्ट किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो आउटपुट क्या आएगा बी आएगा, मतलब जब यहाँ पे इफ़ कंडीशन में इफ़ 0 आ जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो देन एल्स पार्ट चलेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके ये चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन है। सो व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या होता है। सो इंट एक एक्स का एरे नाम लेंगे, तो ये जावा का प्रोग्राम है तो यहाँ पे जावा में ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ओके एलिमेंट है और 56 लाइन में दिया गया। वाई एक देखिए एक ऐसे भी इनिशलाइज कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे एक्स को क्या किए, एक्स की जो है वैल्यू जो है एड्रेस जो है वाई में स्टोर करा दिए, मतलब वाई भी है अब एक्स के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। ओके तो यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाई टू किसको पॉइंट करेगा 3 को,
अब 2 को 3 को पॉइंट करेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा हमारा। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।